कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और बोल बम बम के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो टोलियों में शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नजारा है मेरठ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का कि देखिए शिव भक्त कांवड़िए किस तरीके से बम बम भोले का जयकार करते हुए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से कुछ ही दिनों में जो कांवड़ मार्ग है वो पूरी तरीके से भगवा में नजर आएगा। और ये देखिए कि जो कांवड़िए हैं वो एक मन्नत मांगते हैं, कोई 101 लीटर जल लाता है, कोई 51 लीटर जल लाता है, कोई 251 लीटर जल लाता है। और इसी तरीके से शिव भक्त कांवड़िए देखिए कि जो बड़ी कांवड़ है इनमें जो कलश है वो बड़े बड़े कलश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भक्ति भोले की भी हो रही है और देशभक्ति भी हो रही है, चूंकि देखिए जो तिरंगा है वो तिरंगा लेकर भी जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो शिवालयों की तरफ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं शिव भक्त कांवड़ियों से बात करूंगा। जय भोले की। जय भोले की। कहां से कहां जा रहे हैं भोले? सिकंदराबाद शेरपुर गांव। अच्छा, सिकंदराबाद के पास से। देख रहा हूं कि शिव की भक्ति भी हो रही है और भोले की भक्ति भी। हां, दोनों की भक्ति चलती है जी। अच्छा अच्छा, कब तक पहुंच जाएंगे हम जी? 1 तारीख तक पहुंचेंगे, 2 तारीख का जल है। अच्छा, 2 तारीख का। हाँ जी। तो पूरे सब लोग एक साथ, साथी पूरे आसपास के? हाँ जी, सब साथ एक साथ ही रहते हैं। ये कहीं और गए भैया, हमारे का और वो है, हम सिकंदराबाद के हैं। ऐसे ही सब कांवरिया एक ही रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं पर जो भोले का नाम लेते हैं सब भोले हो जाते हैं। कोई जात बिरादरी नहीं है उसमें, सब चीज सब। कोई जाति कोई धर्म नहीं, उसमें एक ही नाम है भोले। भोले बस। अच्छा, भोले। किसी से पूछा भी नहीं? कुछ नहीं पूछा जाता, बस उसे भोले, बस भोले, बस और कुछ नहीं। अच्छा, भोले बोले। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी देख रहे होंगे जैसे आप आ रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ से बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल ढाबे खोमचे हैं आपको अपने बोर्ड लगाने जरूरी होंगे। आपने भी देखा, किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा जी, देखो बोर्ड तो होना चाहिए। अब मेरा नाम है अतुल तो अतुल रहना चाहिए। मैं कोई और सा नाम रख लूं, कोई क्या फायदा उससे, नाम तो होना चाहिए उस पर। अब किसी भी होटल में थोड़ी बैठ जाएंगे हम, अपने हिंदू के होटल में जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? उसमें सेफ्टी मिलती है हमें, उसमें और हमारा विश्वास रहता है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं रहता और कुछ मांस वगैरह कुछ नहीं होते, किसी मांस वगैरह के बर्तन नहीं होते। अब जैसे हम किसी मुसलमानों के ढाबे में रुक जाएंगे तो उनमें क्या, हमें क्या पता इससे पहले उनमें मांस मदिरा कुछ मिला के उस बर्तन में यूज होता हो फिर हमें खिलाया जा रहा हो। तो इस हमें हिंदू में कुछ बेसुन ढाबे होते हैं उनमें शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, तो ये हमारे लिए उचित रहता है, जिससे हमारा जल को भी कोई नुकसान नहीं होता ना हमें नुकसान होता। बोले कितने लीटर का जल? 51 लीटर लेके जा रहे बोले हम। अच्छा, कोई मन्नत मांगी थी? कोई मन्नत नहीं है, श्रद्धा से है बोले। अच्छा, श्रद्धा। हाँ जी, दिल्ली लेके जाएंगे बोले, जहांगीरपुरी। अच्छा, दिल्ली जाएंगे। हाँ जी। जैसे अभी बता रहे थे, देखो रास्ते में बोर्ड लग रहे हैं बहुत बड़े-बड़े। ये तो बोर्ड लग रहे हैं ये बोले, ये भी सही है, बोर्ड लग रहे हैं। इसमें क्या है, लहसुन प्याज मुसलमान होता है लहसुन प्याज खिला देता बोले, तो इसमें हिंदू होते हैं लहसुन प्याज नहीं देते हो, शाकाहारी खाना देते हैं। हाँ, शाकाहारी खाना सही है सर? योगी का नहीं, योगी का कहना सही है जी, योगी एकदम बढ़िया है जी। अच्छा। जो कह रहे हैं जैसे भाई, अच्छा। भाई भी बोल रहे हैं कि किसी भी ढाबे पे बताता नहीं है, कहते नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, पर हम जब बाहर निकलते तो बोले, कहते हैं बोले इस दुकान पे मत खाना, इसके अंदर लहसुन प्याज भी है। अच्छा। ऐसा हमारा हुआ है हमारे साथ। अच्छा, ऐसा हो जाता है जी, ऐसा हो जाता है। योगी ने सही किया, बिल्कुल सही कहा जी। योगी ने सही किया, योगी के इस कदम की जो सराहना है वो कर रहे हैं। कुछ और भी शिव भक्त कांवड़िए हैं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूं और इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। जय भोले की भोले। कितने लीटर जल लेके देख रहा हूं कि 1, 2, 3 कलश है और 6 कलश हो गए, कितने लीटर जल? 101 लीटर जल है, वेट 120 से ऊपर जा रहा। अच्छा। हाँ जी। मन्नत मांगी थी कि 101 लीटर गंगा जल चढ़ाऊंगा भोलेनाथ? हाँ जी, अपने जो हमारी डेडिकेट जो है इसे हम देना चाह रहे हैं, जो अपने देश के सेना के जितने भी जवान शहीद हुए हैं अपनी देश के नाम है जी सब कुछ बस। अच्छा, देश के नाम है? हाँ जी, देश के नाम है। अच्छा, जो कांवड़िए माता जो बता रहे हैं कि जो आपका ग्रुप है कांवड़ियों का, कि जो सेना के शहीद हैं उनके लिए कांवड़ लाए? हाँ जी, उनके लिए ये 101। हाँ जी, 101 वो हमारे देश के लिए जाड्डे में मर रहे 45 माइनस में, तो हम उनके इतना तो कर ही सके। अच्छा, भोले बाबा से उनके लिए कुछ दुआ तो कर ही सके। अच्छा, और क्या दुआ मांगी थी? अजी बहुत है, अपना देश आगे बढ़ता रहो, हमारे देश के सेना ठीक रहो, बढ़िया रहो, चीनियों को फोड़ती रहो, पाकिस्तान को तोड़ती रहो, बस बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप देख रहे हैं कि कांवड़ मार्ग पे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बोर्ड दुकानों पे नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेश है कि पूरे कांवड़ मार्ग पे लगेंगे, तो क्या लग रहा है जी? सबसे पहली बात तो अगर हम किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं, हमारी कोई दुकान है, अगर हम उसे झूठ से ही शुरू कर रहे हैं, गलत चीज से ही शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कपट होगा, कुछ ना कुछ उसके मन में मैल होगा। अगर तुम्हारे मन में मैल ही ना है तो तुम अपना नाम ओरिजिनल रखो ना, और सबसे पहली बात भोले की कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें झूठ कपट कुछ नहीं चलता। योगी बाबा ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। जय भारत, जय हिंद।
अच्छा, योगी बाबा का फैसला बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? ये एक फैसला एकदम सही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन मुसलमानों के ढाबे होते हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं, और जो कावड़ यात्री होती है उनका जो ये है ना प्रण है, और जो भी है आप ये लहसुन प्याज नहीं खाते उस चीज का जो काम है ये उसे भंग कर देते हैं, जैसे प्याज वगैरह लहसुन वसन डाल के। और जो ये मुसलमानों का जो ढाबे होते हैं उसमें पहले मीट वगैरह और इनके बर्तनों में बहुत कुछ बंधा रहता है, उसी में ही वे हमें बना के खिला देते हैं, तो हमारा ईमान भ्रष्ट होता है ना इससे, इसलिए ये फैसले योगी का फैसला। हाँ जी बिल्कुल। कुछ लोग है वो तो कह रहे हैं कि गलत है, लोगों को बांटने की बात है कांवड़ में, तो ऐसा कुछ बांटने की बात हम नहीं मानते। देखो मेरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे हैं ठीक है मुसलमान, हम अभी मुजफ्फरनगर पार करके हम मुसलमान की दुकान में सोए थे, उसने हमारी अच्छी सेवा करी थी, बहुत अच्छी सेवा करी, पर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं वे चाहते हैं कि इनका ईमान भ्रष्ट हो जाए, बहुत से होते हैं ना ऐसे। पुरखा जी तो तीन चार भोले आगे चल रहे थे कावड़ लेके, तो एक गाड़ी आई दिल्ली नंबर अल्टो, उस पर लर्निंग का एल छपरा था, वो उन भोलों को गाली दे के चले गए। प्रशासन आया तभी दो मिनट पीछे, उन्होंने हमने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने तुरंत ही गाड़ी उनके पीछे लगाई। अब हम तो रह गए पीछे क्योंकि हम तो पैदल चलने चल गए, अब पता नहीं प्रशासन के वो हाथ आए नहीं आए, जैसे भी तो ऐसे लोग भी हैं उधर भोलों को गाली देके चले गए कांवड़ यात्रियों को, तो वो लोग वही तो करते हैं, इसलिए नहीं हमको विश्वास ही होता उन पे। चीज हो गए ना जी, एक तो हम ला रहे हैं ना, तो इसमें कोई दलित है ना जाट है ना ब्राह्मण है ना राजपूत है ना कुछ भी नहीं है, इसमें सब भोले हैं। अब हम चल रहे हैं आराम से, बोले कि कोई कह रहा है कि जय राजपूत या जय भीम, बहुत से हमें मिल करने वाले मिले जय भीम जय भीम, भाई जय भीम काहे नहीं कर रहे हो, जय भोले बोल लो ना, सब हिंदू हैं सब एक रहो भाजी, देश के प्रति अपनी आस्था रखो, भोले बाबा के प्रति आस्था रखो, सब कुछ बढ़िया होगा। पर कुछ की मानसिकता हो ना कट्टरपंथी वाली तो वो रहेगी, उन्हें सुधार नहीं सकते, और उनके लिए सुधारने का वही है जैसे योगी बाबा ने कही है, जो जैसी भाषा में समझना चाहेगा उसे वैसी समझाया जाएगा। शिवभक्त कांवड़ियों की आपने बात सुन ली, महिला शिवभक्त कांवड़ी, अभी इनसे भी बात कर रहा था, बोली कहाँ जाएंगे आप? हरियाणा फरीदाबाद। अच्छा हरियाणा जाएंगे आप, छोटे से बच्चे के साथ भी कांवड़ ला रहे हैं? हाँ कांवड़ ला रही हूँ। तो कुछ मन्नत मांगी थी बोले? नहीं जोड़ा करना था है? जोड़ा करना था पहले। अच्छा एक बार कर चुके हाँ, इस बार जोड़ा करना। हाँ जोड़ा करना था। अच्छा तो रास्ते में देख रहे हैं सब अवस्थाएं अच्छी हैं? हाँ सब सही है। अच्छा कब तक पहुँचेंगे? मुझे 1 तारीख को पहुँच जाऊंगे। अच्छा 1 तारीख को पूरे परिवार के साथ? नहीं अकेली हूँ मैं। अच्छा आप बच्चे के और अपने साथ? हाँ बस मैं। अच्छा अकेली चल। हाँ और कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया, कोई 26 को आएगा, कोई डाक का वाला साथ आएगा। अच्छा, 1 तारीख को डाक में। अच्छा अच्छा, तो जैसे कहते हैं कि रास्ते में महिला है भूली है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चल ना, भोले के नाम की माला जपते हुए। हाँ बढ़ जाओगे जे बोले तेरी बम बम, और आते आते हैं ना थकान हो रही ना कुछ हो रही, सब सही है। बाबू जाए इधर दे। अच्छा भोले बाबा साथ हैं तो फिर क्या बात है? फिर क्या बात है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी देखा होगा बड़े बोर्ड लगा रखे हैं दुकानों पे, सही है योगी का फैसला? हाँ बढ़िया है। जो कई मोमडन होते हैं कुछ मिला के देते हैं, हमें भरोसा नहीं है ना, हमें तो बिल्कुल भी। अच्छा। वो चाहते हैं इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, इनका हो जाए। कोई अच्छे होते हैं मोमडन, कोई बुरे होते हैं। हाँ। ये भी सही है, वो है कि जो बुरे हैं उनकी वजह से सब लोग। हाँ सब लोग को बोला जाता है, सही बात है, योगी का फैसला सही है। अच्छा, होना चाहिए बोर्ड। अच्छा होना चाहिए। तो देखिए शिवभक्त कांवड़ियों का जो जोश है वो वाकई देखने वाला है, और शिवालयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मन में भक्ति की गंगा हिलोरे ले रही है, मन में एक ही भाव है कि भोले के नाम की माला जपते हुए शिवालयों की तरफ आगे जाना है, और शिवरात्रि पर शिव शंभु कैलाशपति को जल भी चढ़ाना है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।